हेलो स्टूडेंट, वी स्टार्टिंग द टॉपिक हियर, चैप्टर नंबर 4, केमिस्ट्री, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस टॉपिक में हम एटम और मॉलिक्यूल के फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है ना। और इसके पहले हमें एटम के बारे में जो जानकारी है, हम एटम के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट इज एटम? ओके, एटम के बारे में क्या पता है आपको, बता सकते हैं कोई? एटम इज द मेड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। वेट, आपने कहा एटम आर मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है। अगर एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना है, जैसे आपने कहा ये एटम है और ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, तो इन छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का कुछ ना कुछ तो नाम भी होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा पहले मुझे ये बताइए। तो इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल जब आप कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके बना है, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा इनका नाम क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल का क्या इनका नाम बता सकते हैं? आप क्या कह रहे हो? मॉलिक्यूल। आपने बिल्कुल गलत बताया है। मॉलिक्यूल तो दो एटम से मिलकर के बनता है, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, कम से कम दो के साथ अगर एक एटम कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूल बनाता है, है ना। मॉलिक्यूल किसी का बनना वो एक अलग बात है। मॉलिक्यूल किसी का बनना, आपने देखा होगा कुछ दोस्त, स्कूल के कुछ बच्चे अकेले पाए जाते हैं, वो अकेले रहते हैं, है ना, अकेले एग्जिस्ट करते हैं, कहीं भी घूमते रहेंगे, क्यों? बिकॉज उन्हें अकेले ही रहना पसंद रहता है, उनके एटम अकेले टाइप ही होते हैं। एग्जाम्पल हमारा हीलियम, केमिस्ट्री में बच्चों ये हीलियम है, ये हीलियम एक ही एटम है और एक एटम का ही एक मॉलिक्यूल है, मतलब वही एटम है और वही मॉलिक्यूल है। और आपने देखा होगा आपके स्कूल के कुछ स्टूडेंट वो दो के पेयर में रहते हैं, जोड़ी बना करके रहा करते हैं, है ना, दो दोस्त एक साथ रहा करते हैं, है ना, वो लोग दो के पेयर में रहते हैं, तो ऐसे कुछ रहा करते हैं दोनों लोग आपस में जोड़ी बना करके। जैसे एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जहां भी पाया जाएगा वो O2 की फॉर्म में पाया जाएगा, मतलब ये जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं इसमें ऑक्सीजन के दो एटम है, ये पहला एटम और ये दूसरा एटम है, है ना, ये दो के एटम में बना के जाते हैं। ये ऐसे कोई कोई तीन के पेयर में रहा करते हैं, तिकड़ी, है ना, तीन के पेयर में कोई कोई रहा करते हैं, एक दूसरे से जाता है, ये कोई पहला जुड़ा हुआ है, मान लो ये पहला है, इसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ है और ये तीसरा जुड़ा हुआ है, ऐसे कुछ रहा करते हैं। इसको बोलते हैं तीन के पेयर में रहते हैं, वैसे इस व्यवस्था को बोलते हैं ट्रेड, ट्रेड मतलब तिकड़ी, है ना, तो तीन के पेयर में। एग्जाम्पल ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, है ना, तो ये क्या है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये भी मॉलिक्यूल है। भाई मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल एटम से मिलके बना होता है, मॉलिक्यूल जो होता है एटम से मिलकर के बने होते हैं, आप टू पार्टिकल नहीं कह सकते, मिनिमम टू मैक्सिमम। उस मॉलिक्यूल एक सिस्टम है बच्चों, एक सिस्टम है, कैसा सिस्टम, स्टेबल सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम। लोग मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। अकेला ऑक्सीजन स्टेबल नहीं था, अकेला ऑक्सीजन स्टेबल नहीं था, उधर उधर भटक रहा था, इसलिए उसने ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और जैसे ही इसने दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये स्टेबल हो गया, इसकी जिंदगी संवर गई, है ना, ये कहलाता है O2, समझ में आया। अकेला नाइट्रोजन भूत की तरह भटक रहा था, है ना, मगर जब इसके साथ दूसरा नाइट्रोजन जुड़ गया तो इसकी जिंदगी संवर गई और इसने बना लिया अपना मॉलिक्यूल N2। हीलियम अकेला है, बताइए ये एटम है या मॉलिक्यूल है या ये दोनों है? क्या है ये हीलियम, क्या है? मैंने सबसे पहले चैप्टर की स्टार्ट ही ऐसी करी थी, हीलियम क्या है? हीलियम एटम भी है और हीलियम मॉलिक्यूल भी है। हीलियम का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, हीलियम का जो स्ट्रक्चर है, हीलियम को खुद अकेले रहना ही पसंद है। हीलियम खुद में कैसा है? हीलियम खुद में अपना जो कह रहे थे मैंने, क्या कहा, स्टेबल है। क्या है? स्टेबल। हीलियम खुद में स्टेबल, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अकेले ही स्टेबल है। मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ नाम बता देता हूं स्टेबल गैसेस के, हीलियम, नियॉन, ओके, आर्गन, ठीक ना, ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन एंड रेडॉन। ये जो बच्चों दिख रहे हैं आपको, ये एलिमेंट जो है ना, तो ये एलिमेंट आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये एलिमेंट सबके सब बहुत स्टेबल हैं, इनको किसी के साथ जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, यही इनका एलिमेंटल फॉर्म है,
मतलब जिस रूप में पाए जाते हैं, यही इनका एटॉमिक फॉर्म है और यही इनका मॉलिक्यूल फॉर्म है। समझ में आ गया? यही इनका, बाकी कोई भी एटम अपने मॉलिक्यूल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। कोई भी एटम अपने मॉलिक्यूल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गया? आपको कार्बन मिलता है, कार्बन किस फॉर्म में मिलेगा? CO2। ये कार्बन का क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है। CO2 एक मॉलिक्यूल है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बना है। इसमें कितने एटम है? इसमें 3 एटम टोटल है, जिसमें एक है कार्बन का और 2 है ऑक्सीजन का। क्यों करा इन लोगों ने, क्यों बनाया मॉलिक्यूल? क्योंकि ये अकेले स्टेबल नहीं थे, अकेला कार्बन स्टेबल नहीं था, अकेला ऑक्सीजन स्टेबल नहीं था। इन सब ने आपस में बात करी, उन्होंने कहा कि चलो हम कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने से सब लोग स्टेबल हो गए। सब लोग क्या हो गए? स्टेबल हो गए। इसकी वजह से ये स्टेबल आपको दिखाई दे रहा। आई बात समझ में? तो हम बात करते हैं वापस, एटम क्या है? एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ए मैटर। किसी भी मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल एटम है, समझ लो। किसी भी मेटल का, मैटर मतलब कोई भी सामान, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ, उसका जो फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल मतलब बहुत सबसे बेसिक पार्टिकल, वो कहलाता है एटम। एग्जांपल के लिए फंडामेंटल समझना है, एक आपने ईंट लेकर के आए, ईंट बड़ी सी, आप ब्रिक लेकर के आए, आपने क्या किया, ब्रिक को पीस दिया, कितना पीसा, जब तक आप सबसे उसका महीन पाउडर ना हो जाए, एकदम बारीक पाउडर, फिर आपने उस पाउडर में से एक छोटा सा पार्टिकल निकाला, आप उसको और ब्रेक नहीं कर सकते हो, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो, बिकॉज मैंने पहले ही कह दिया जितना मैक्सिमम आप पीस सकते थे आपने उसको ग्रीन कर दिया एकदम, फिर आपने उसका एक पार्टिकल निकाला, समझ गया, तो वो उसका फंडामेंटल पार्टिकल होगा। और आप कहोगे कि मेरा जो ब्रेक है ऐसे 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 बहुत सारे अरबों खरबों मिलियंस बिलियंस पार्टिकल से मिल करके बना है, ऐसे ही एटम। एटम आपके पास कोई सब्सटेंस है, क्या है आपके पास कोई सब्सटेंस, लाइक आपके पास एक आयरन का टुकड़ा है, क्या है, आयरन का टुकड़ा, आपने उस आयरन के टुकड़े को बहुत तोड़ा है ना, आपने उसको तोड़ फोड़ डाला आयरन के टुकड़े को, फिर आप जो उसके फंडामेंटल पार्टिकल की तरफ पहुंचोगे, एक छोटा सा पार्टिकल, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, उस पार्टिकल को बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? उस पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। जब कई सारे एटम मिलते हैं, है ना, कुछ एटम मिलते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। समझ गए? वो मॉलिक्यूल आपस में अरेंज हो जाते हैं, ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, जब वो आपस में अरेंज हो जाते हैं फिर वो आपको दिखाई देना शुरू होते हैं, अरे वाह ये तो आयरन की शीट है, एक आयरन की शीट में न जाने कितने अरबों कितने खरबों आपके एटम होंगे। समझ में आया? सो दिस इज डिफरेंस, दिस इज द एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट इन डिवाइजिबल, है ना, जिसको आप तोड़ ना सके, है ना, इनडिवाइजिबल पार्टिकल ऑफ ए मैटर, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। एटम 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 खूब सारे एटम कलेक्ट होकर के एक सब्सटेंस बनाते हैं, एक मैटर बनाते हैं। ओके, ठीक है ना, अगर आपका मेटल, अगर आपका सब्सटेंस यूनिफॉर्म होगा, अगर आपका सब्सटेंस यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होगा, कैसा होगा, एक जैसा, तो आपके जो एटम भी होंगे वो भी सबके सब यूनिफॉर्म होंगे। जैसे आपने कहा मुझे तो प्योर गोल्ड चाहिए, प्योर गोल्ड मतलब गोल्ड 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 गोल्ड, हर एटम गोल्ड का, हर एटम गोल्ड का, तो आपको प्योर गोल्ड मिलेगा। अगर आपने गोल्ड में कॉपर मिला दिया तो गोल्ड 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 बीच में कॉपर बैठा हुआ है, बीच में फिर से कहीं पे कॉपर बैठा हुआ है, तो ये जो आपके पास एटम होते हैं वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं। किसी किस में कोई आपके पास कोई चीज दी गई है, कोई आपको मटेरियल दिया गया है, तो उसमें सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं कुछ लॉस के बारे में। सबसे पहले हमें पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि ये लॉ किसने दिया था। ओके, ये लॉ जो था इन्होंने दिया था, जिनका नाम था लेवोशियर एंड प्राउस्ट, एल प्राउस्ट। ओके, लेवोशियर और एल प्राउस्ट ने दिया था ये लॉ। और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा था कि लॉ, इन्होंने जब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें दो चीजें पढ़नी मिलनी बच्चों, दो चीजें, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है फिजिक्स में, वैसे ही आपको इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वेयर इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन। बच्चों आप जितनी भी केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे आज के बाद, आप देखोगे उनमें कभी भी ना मास क्रिएट होता है और ना मास डिस्ट्रॉय होता है। इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू वन फॉर्म टू अनदर। ओके मास, ओके मास कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ओके तो मास कभी भी डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता है, ना कभी क्रिएट हो सकता है। आप इस चीज को समझिए, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपके पास ये सब्सटेंस है, कोई केमिकल रिएक्शन आप करा रहे हो, केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ए के साथ बी भिड़ गया, लड़ गया और बना दिया सी और डी, दोनों लड़े और दो नई चीजें बन गई, है ना, ए और बी की रिएक्शन हुई और सी और डी बन गया। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप क्या करेंगे, इधर का टोटल मास निकालेंगे। बच्चे ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हिंदी में बोलते हैं क्रियाकारी, जो क्रिया करते हैं, है ना, रिएक्टेंट, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का मास निकालिए। रिएक्टेंट का मास कैसे निकालेंगे? सर पहले तो हम ए को तौलेंगे, फिर हम सर दोनों बी को तौलेंगे, फिर दोनों के मास हम ऐड कर देंगे, एम ए प्लस एम बी, ये हमारे पास आ जाएगा रिएक्टेंट का टोटल मास, आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सी का मास, तो सर कहलाएगा एम सी और ये कहलाएगा एम डी, फिर इन दोनों को हम जोड़ देंगे सर एम सी प्लस एम डी, ये कहलाएगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। और ये कहलाते हैं, ये जो चीजें बनती हैं, बनने को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है ना, ये है रिएक्टेंट, रिएक्ट करने वाले रिएक्टेंट, और जो प्रोड्यूस होते हैं वो है प्रोडक्ट। तो यदि इसका मास हम टोटल ऐड करेंगे तो ये निकलेगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। आप देखेंगे कि ये मास और ये मास दोनों आपस में क्या है, इक्वल। ओके ये मास और ये मास दोनों आपस में इक्वल है, इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें सिखाता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके नेक्स्ट हम बताते हैं आपको, नेक्स्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन निश्चित अनुपात, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जानने के लिए आपके सामने मैं एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं। बच्चों आप पानी डेली यूज करते हैं, आप वाटर पीते हैं, आपके सामने वाटर का फॉर्मूला भी आप सब लोग जानते हैं, जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, H2। क्या होता है? H2। वाटर का फॉर्मूला हुआ करता है H2O। ओके मतलब यहां पे आप देख रहे हैं दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन यूज हो रही है। ओके तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास इरिस्पेक्टिव दैट फ्रॉम वेयर यू कलेक्टेड द सब्सटेंस, फ्रॉम वेयर यू कलेक्टेड द सैंपल। आप पानी ले आइए, कहां का पानी ले आइए, कुएं का पानी ले आइए, समुद्र का पानी ले आइए, झील का पानी ले आइए, तालाब का पानी ले आइए, नदी का पानी ले आइए, आप सब जगह का पानी ले आइए, और आप देखेंगे कि जब उस पानी का आप निकालेंगे केमिकल, जिसका कंपाउंड फॉर्मूला निकालेंगे H2O, फिर आप इसका वेट करेंगे तो आप देखेंगे हर जगह से आपका पानी आया है, इसमें हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2 और ऑक्सीजन का मास कितना 16, हाइड्रोजन का मास 2 यूनिट, कितने यूनिट 2 यूनिट, और ऑक्सीजन का मास 2 यूनिट, तो हमेशा इसका रेशियो क्या होगा 1:8। कभी भी आपके पास कहीं भी किसी भी सोर्स का पानी है उसमें ये जो रेशियो होगा ये 1:8 ही होगा, ये जो आपका रेशियो आएगा ये 1:8 ही होगा, सैंपल पे डिपेंड नहीं करता। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके मतलब कोई भी आपके पास जो सब्सटेंस होता है उसमें जो प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन मतलब उनका शेयर, है ना, उनकी फंडामेंटल्स जो आपके एटम देख रहे हैं उनका शेयर, मास वाइज शेयर, मास वाइज शेयर हमेशा सेम रहता है, चाहे आप कहीं का भी पानी। एक बार मैं फिर से इसको रीड करता हूं, तो इन ए केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स
एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. एलिमेंट्स अंडरलाइन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. एलिमेंट्स कौन है एलिमेंट? दो एलिमेंट है, एक है एलिमेंट हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन. हम देखते हैं इनके मास का प्रोपोर्शन. तो हाइड्रोजन के मास कितना है? 2. और ऑक्सीजन का कितना? 3. अच्छा, इसके पीछे भी कहानी है. मैंने हाइड्रोजन का मास 2 यूनिट क्यों ले लिया? क्योंकि हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है 1H1. मतलब हाइड्रोजन का मास कितने यूनिट है? 1. जब एक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट है तो दो हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 यूनिट. ऑक्सीजन का नंबर हुआ करता है 8 और 16. ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16. तो एक ही है तो एक का 16. आप कहीं कभी सैंपल लेके आएंगे तो ये सही रहेगा. ओके, एग्जांपल, इन वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड द मास ऑफ सबसे पहली डेफिनेशन किसने ली थी? जॉन डाल्टन ने. किसने ली थी? जॉन डाल्टन ने एटम की डेफिनेशन ली थी. और एटम की डेफिनेशन होती है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड एटम. है ना? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड द एटम. ओके, तो आइए बात करते हैं जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में. उन्होंने बता तो दिया कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम हुआ करता है ना? और उन्होंने ये किस बेस पे बताया? ये जो अपने प्राउट्स ने और लेवोशियर ने दो एक्सपेरिमेंट किए थे ना, दो लॉ दिए थे ना, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसके बेसिस पे उसने ये बातें करी. जो हमने दो बातें पढ़ी, इसके बेसिस पे उसने दो बातें करी कि देखो यार, मास कंजर्वेशन भी लग रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो छोटा मास है ना, जिसकी वजह से ये मास कलेक्ट हो रहा है. और दूसरा आपने देखा कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो इससे प्रभावित होकर के डाल्टन ने कह दिया कि हर मटेरियल का, हर सब्सटेंस का एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल को हम एटम कहते हैं. अब आगे बढ़ रहे हैं हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी? तो फर्स्ट पॉइंट डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम. दुनिया का हर मटेरियल एक छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके बना है, उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम. समझ में आ रहा है लोगों? है ना? एवरी मैटर मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम. ओके, नेक्स्ट, एटम्स आर नॉट डिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. क्योंकि दुनिया का सबसे फंडामेंटल पार्टिकल बता दिया एटम को, मतलब उससे फंडामेंटल कुछ है ही नहीं. मतलब दुनिया की बाकी चीजें किससे मिलके बनी है? एटम से. मतलब एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि उसने फंडामेंटल बोल दिया. मगर आगे जाकर के जेम्स रदरफोर्ड ने एटम को तोड़ दिया, है ना? रदरफोर्ड साहब ने एटम को तोड़ दिया और एटम को तोड़ करके बताया. इसलिए हमारा अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना? उसमें हम रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि रदरफोर्ड ने एटम को तोड़ा और जे जे थॉमसन ने भी पता लगाया. किसका? इलेक्ट्रॉन का. किसका? इलेक्ट्रॉन का. ठीक ना? जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का पता लगाया, रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन को देखा, न्यूक्लियस की पहचान करी रदरफोर्ड ने, है ना भाई? ये न्यूक्लियस कहां होता है? ये एटम के अंदर होता है. इलेक्ट्रॉन कहां होता है? एटम के अंदर होता है, है ना? तो पहले बोल गए थे डाल्टन साहब कि एटम को कोई नहीं तोड़ सकता है और एटम से फंडामेंटल पार्टिकल कोई है ही नहीं है, मगर एटम को भी तोड़ लिया रदरफोर्ड ने, है ना? तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी, पहले मैंने बताया एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल दिस कॉल्ड एटम. सेकंड पॉइंट, एटम आर नॉट डिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. एटम को ना बना सकते हो और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो क्योंकि वो दुनिया का फंडामेंटल पार्टिकल है. ओके, ऑल एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर सेम इन साइज मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. यस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. उन्होंने ये कहा कि जैसे कि मान लो आपके पास कोई गोल्ड है, प्योर गोल्ड, और आपके पास कोई प्योर आयरन है. क्या है? आयरन. अभी तो गोल्ड का सिंबल मैं आपके सामने बताता हूं, Au. आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe. उन्होंने ये कहा
कि एवरी मैटर, कोई मैटर है, कोई मैटर बना हुआ है, कोई स्पेसिफिक मैटर है, उसमें एक ही टाइप के एटम होते हैं, एक ही टाइप के होंगे ही बिल्कुल। मैं भी एग्री हूं, क्यों होंगे कि नहीं होंगे भाई? गोल्ड है, अगर आप प्योर गोल्ड की बात कर रहे हो तो प्योर गोल्ड में पूरे एटम किसके होंगे? गोल्ड गोल्ड के, ये समझो। अभी पूरे गोल्ड के एटम भरे हुए हैं इसके अंदर, गोल्ड के एटम। तो इन एटम के सबके साइज क्या होंगे? सेम। क्या होंगे? सेम। ऐसा तो नहीं कि गोल्ड का एक एटम बहुत बड़ा है, एक एटम बहुत छोटा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हमने बताया कि एवरी एटम सेम टाइप के एटम में गोल्ड के साइज सेम हुआ करते हैं। हाँ, मैं ये बात जरूर बोलता हूं कि ये जो इसका एटम है इसके एटम से डिफरेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? इसका एटम इसके एटम से क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ये इसके एटम मान लो इस टाइप के हैं, ये देखो, अगर इसका मास है m तो इसका भी मास क्या होगा? m। अगर इसका मास है अगर k तो इसका भी मास क्या होगा? k। मतलब अपने मटेरियल में सबके डिफरेंट टाइप के एटम हो सकते हैं, मगर अगर उसी एटम में देखा जाए, उसी मटेरियल में देखा जाए, तो जितने भी एटम होंगे सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। मगर अगर डिफरेंट मेटल से कंपेयर करो, डिफरेंट मटेरियल से कंपेयर करो तो वो अलग होंगे। बोलो है ना? डिफरेंट मटेरियल से कंपेयर करोगे तो क्या होंगे? अलग होंगे। आई बात समझ में? किसी का एटम बहुत भारी होगा, किसी का एटम बहुत हल्का होगा। कोई कोई गैस होते हैं ना, तो गैस के एटम बहुत हल्के होते होंगे, है ना? जबकि आयरन के एटम क्या होंगे? बहुत भारी होंगे। इसी की वजह से आयरन के 10 एटम जुड़ जाएंगे अगर तो बहुत भारी मास जनरेट कर देंगे, मगर किसी गैस के 10 एटम जुड़ेंगे तो भारी मास जनरेट नहीं करेंगे। तो ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर सेम इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन साइज, मास एंड, मास तो बता दिया, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने वाला कौन है? एटम। केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने वाला एटम है। आपके सामने दो एलिमेंट मैंने दे रखे हैं, गोल्ड और एटम। इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, क्योंकि गोल्ड का एटम अलग है और आयरन का एटम अलग है ना? तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। हाँ, ये जरूर है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम होगी। ये देखिए, मैंने इसमें दो दो राइट बनाए और इसमें एक एक राइट बनाया है, है ना? आपस में तो इनकी प्रॉपर्टी सेम, मास सेम, प्रॉपर्टी सेम, मास सेम, उनका साइज सेम, है ना? मगर अलग अलग, सबके सब अलग अलग होंगे, यस नो? है ना? तो इस तरीके से नेक्स्ट, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म द कंपाउंड। एटम जो होते हैं वो स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाते हैं। होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ओके? सो एटम्स आर कंबाइन विद स्मॉल होल नंबर, है ना? अब जीरो को कह दिया, बिकॉज ये देखिए हीलियम, हीलियम क्या किसी से कंबाइन हुआ? नहीं हुआ। हीलियम किसी से कंबाइन नहीं हुआ, ये अकेला है, तो इसलिए कंपाउंड तो बना लिया। आपको हीलियम, देखिए अब हीलियम का केस समझना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे। आपने कहा हीलियम कंपाउंड, हीलियम कंपाउंड, हीलियम कंपाउंड यही है, क्योंकि हीलियम किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाता है। आपने कहा हीलियम एटम, तो हीलियम एटम भी यही है, क्योंकि हीलियम का एटम, एटम तो मतलब वन, एटम मतलब वन, किसी का एटम एक से ज्यादा होते ही नहीं है, एटम मतलब वन, हीलियम हो गया ये। आपने कहा हीलियम कंपाउंड यही है, हीलियम मॉलिक्यूल भी यही है, हीलियम मॉलिक्यूल भी यही है। अब हम मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की, यही है हीलियम एटम, यही है हीलियम कंपाउंड और यही है हीलियम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड का मतलब होता है, एक तो कंपाउंड स्टेबल होता है, क्या होता है? स्टेबल हुआ करता है, ठीक ना? एक तो कंपाउंड स्टेबल हुआ करता है, और ज्यादातर प्लेसेस पे हीलियम को आप कंपाउंड नहीं यूज करेंगे, ऐसे कंपाउंड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर ये बोला जाता है कि व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर रिएक्ट टुगेदर व्हेन दे फॉर्म ए कंपाउंड,
when two or more than two elements react together, they form a compound. Okay? Yes, and every compound is a molecule. Every compound is a molecule. क्योंकि किसी ने compound क्यों बनाया? भाई unstable रहा होगा इसलिए compound बनाया. Compound बनना मतलब कुछ ना कुछ दो चीजों का जुड़ना. वो जुड़ना कब हुआ होगा? जब दोनों लोग अनस्टेबल रहे होंगे, उनको स्टेबिलिटी चाहनी पड़ी होगी, तब वो दोनों लोग जुड़ गए होंगे. बोले हाँ यार. अब देखिए जरा देखते हैं ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एटम बेटा ये है ऑक्सीजन एटम. बटे भटक रहा है. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यही है. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब ऑक्सीजन एटम से मॉलिक्यूल बदलने के लिए दो ऑक्सीजन का जुड़ना बहुत जरूरी है. ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और यही है ऑक्सीजन कंपाउंड. यही है ऑक्सीजन कंपाउंड है ना. ऑक्सीजन का यही कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. टू और मोर देन टू. बट बात ये है कि यहां भी ये सेम टाइप में जुड़ रहा है. मतलब आप इसको कह सकते हो सर ये प्योर है. ये कैसा कंपाउंड है? प्योर मॉलिक्यूल है. ओके okay? अब बात कब होगा इसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की. तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए कार्बन एटम है, ऑक्सीजन एटम है. कार्बन भी एटम है, ऑक्सीजन भी एटम है. और ये जोड़ कैसे गए? CO2. CO2 बना लिया. CO2 क्या है? CO2 एक मॉलिक्यूल भी है और साथ ही साथ क्या है? कंपाउंड भी है. बट CO2 एटम नहीं है, है ना? एटम नहीं है CO2. एटम मतलब फंडामेंटल पार्टिकल. एटम मतलब फंडामेंटल पार्टिकल. CO2 के फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन. कार्बन और ऑक्सीजन. आई बात समझ में? कार्बन और ऑक्सीजन जो है CO2 के फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है ना. कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको मान के चलो आपको 10 फ्लावर पॉट जमाने हैं. आराम से 10 फ्लावर पॉट आपको 10 फ्लावर पॉट जमाने हैं. तो आपने क्या किया? ये ले लिया इसका पॉट और यहां पे बना दिया आपने फ्लावर. ये बना दिया, समझ आ गया? ये आपने फ्लावर बना दिया, ठीक है ना. तो देखो अब आपके पास क्या है? ये कुछ ऐसा सपोज कर लो कि ये आपका है कार्बन और ये है आपका ऑक्सीजन. ओके okay? और कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर के आपका बन गया एक मॉलिक्यूल. क्या बन गया? एक मॉलिक्यूल CO2. ओके तो ये अपने आप में तो मॉलिक्यूल है. और ऐसे खूब सारे मॉलिक्यूल आप रख दो 10 कार्बन डाइऑक्साइड तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे? 10. 10 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे ना. मगर फिर भी मैं बात करूंगा कि बताइए ये जो बिल्डिंग बन रही है इतनी बड़ी, इसका बेसिक ब्लॉक क्या है? इसका बेसिक ब्लॉक क्या है? ये है? नहीं. ये आपको लग भले रहा अभी भी लग रहा होगा शायद कि बेसिक ब्लॉक ये है. नहीं, इसकी सबसे छोटी यूनिट कौन है? इसकी सबसे छोटी यूनिट ये है और ये है. समझ गया ना? इस यूनिट को मिलाने में एक ये बना. ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल अरेंज मॉलिक्यूल 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 खूब सारे मॉलिक्यूल अरेंज हो गए. अब वो बना देंगे आपके पास क्या? मैटर. क्या बना देंगे? मैटर. खूब सारे मॉलिक्यूल अरेंज हो जाएंगे आपको मैटर बना देंगे. आई बात समझ में ना? तो ये हो गया हमारा द रिलेटिव एटम्स कंबाइन इन द रेशियो. मतलब मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है कि एटम जो होते हैं एक बहुत ही सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं. समझ गए? बहुत ही सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं. कैसे? उल्टे पुल्टे रेशियो में कंबाइन नहीं होते कि 5 ऑक्सीजन ले आओ 10 ऑक्सीजन ले आओ 5 हाइड्रोजन ले आओ 4 क्लोरीन ले आओ, ऐसा कभी नहीं होता. दे हैविंग सिंपल रेशियो. दे हैविंग सिंपल रेशियो. समझ गए? कॉम्बिनेशन के अगर आप नंबर ऑफ एटम की कॉम्बिनेशन की बात करें, एग्जांपल H2O के कॉम्बिनेशन की बात करें, तो यू कैन सी द रेशियो इज 2:1. दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. आई वाज समझ में? दिस इज कॉल्ड सिंपल रेशियो. ये अपने पास सिंपल रेशियो है. नेक्स्ट द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट. The relative number and kinds of atom are constant in a given compound. इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे कि relative number and kinds of atom are constant in a given compound. तो इसको हम बाद में देख लेंगे. अभी हम atom के बारे में और डिटेल में बात कर रहे हैं. What is atom? Our next question is what is atom? Okay? तो जैसा कि डाल्टन साहब ने बताया कि atom are the very smallest tiny particle of an element which can take part in a chemical reaction. है ना? Chemical reaction. Chemical reaction की बात कहां से आई? यहां से आई थी. मैंने बताया था कि किसी भी एटम का chemical behavior, किसी भी material का chemical behavior उसके एटम की वजह से होता है.
किसी भी मटेरियल का केमिकल बिहेवियर उसके एटम की वजह से हुआ करता है, और इन सब एटम की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। समझ लो बच्चों, इन एटम की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर। भूल गए एग्जाम में कि सर हमें तो याद नहीं आ रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टी के लिए एटम रिस्पॉन्सिबल होता है या मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है या कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये है ऑक्सीजन, अकेला ऑक्सीजन। ये बताइए ये आपको क्या लग रहा है, स्टेबल मैंने बताया कि अनस्टेबल बताया, अनस्टेबल। ऑक्सीजन अकेला है, ये एटम अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है तो ये स्टेबल